नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। थार और आल्टो कार की जोरदार टक्कर हुई है, तो मजबूती जरूर देखिएगा। कमेंट्स के में अपनी राय जो है वो साझा करें कि दोनों में से कौन सी गाड़ी जो है वो ज्यादा मजबूत। 19-20 का ही तो फर्क है बस। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है इसमें, उसमें 19 लाख का फर्क है। तो भाई लोग, रिसेंट वीडियो में आपने कुछ तेजस्वी बालकों को देखा होगा जो खुलेआम भौकाल दिखाकर पुलिस को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उस वीडियो में मैंने बोला था कि इन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, और जब मैंने वीडियो अपलोड किया तब तक कोई न्यूज भी नहीं आया था। लेकिन उसी के कुछ ही घंटों के बाद ही भाई को अरेस्ट कर लिया गया और इनका 36,000 का चालान भी काट दिया गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कानून से मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हालांकि ये हाथ जो हैं वो पता नहीं क्यों थार वाले कुछ छपरी भाई लोगों तक पहुंचने में काफी देर कर देते हैं, जिसका ये भाई लोग दबा कर फायदा उठाते हैं। और इस वीडियो में फिर से कुछ ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात होगी। लेकिन भाई, हर वीडियो में मैं आपके लिए एक स्पेशल प्राइज लेकर आ रहा हूं, पर आप लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। लेकिन जो लोग असली खिलाड़ी हैं उन्होंने बाजी मार ली, इनसे मिलो। नरेंद्र सिंह बघेल जीत गए हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 15 सिर्फ 1 रुपए में। हर वीडियो में एक नया आईफोन विनर बन रहा, आप भी जीत सकते हो, बस वीडियो देखते रहो। ये देखिए, थार नहीं बल्कि पानी वाला जहाज बनाए हुए हैं। ऐसा लग रहा अभी सीवेज चीट कोड डालेंगे और गाड़ी लेकर घुस जाएंगे समुंदर में। इन भाई लोगों को इसी में बड़ा मजा आ जाता है और इन्हें लगता है कि हम बहुत बड़ा ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। कौन समझाए इन्हें कि ऐसी हरकतें करते हुए कई बार गाड़ियां उड़ भी जाती हैं। खासकर ये हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली SUVs तो कब पलट जाएं और आप जैसे छपरी को उठाकर बाहर फेंक दें, कुछ पता नहीं होता। एग्जांपल तो देखा ही होगा आपने, वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। खैर, इस छपरी गिरी को भाई लोग ऑफ रोडिंग कहते हैं, लेकिन असली ऑफ रोडिंग करने के लिए गट्स होना चाहिए, जो असली ड्राइवर्स ही दिखा पाते हैं। इनसे अच्छी ड्राइविंग तो ये लड़कियां कर रही हैं, कम से कम तमीज से और भौकाल के साथ नदी तो पार करवा रही। ये है थार की और थार को चलाने वालों की असली इज्जत, जो कुछ भाई लोग गिराने में लगे हुए हैं। खैर, गिरने गिराने से याद आया, इस टाइप के लौंडों को पता नहीं क्या मजा मिलता है कि ये अपनी गाड़ी से दूसरों का रास्ता ही रोक लेते हैं। पिछले वीडियो में भी ऐसा ही सीन बना था और इसमें भी यही देखने को मिल रहा है। और भाई, आपने देखा होगा रास्ता रोकने वाले ज्यादातर थार वाले ही होते हैं, और कोई लाल सफेद थार नहीं बल्कि काली थार ही लोगों का रास्ता रोके हुए मिलेगी आपको। अब इनको पता नहीं क्या मजा मिल रहा है ये सब करके। बताइए, पीछे स्कॉर्पियो जैसी माफिया SUV को रोक कर रखे हुए हैं। छोटा आदमी गुंडाई करना चाहता, करने दो, मजा लेना चाहता मजा लेने दो। और इसी के बाद ये अपने गाड़ियों को सड़कों पर भी दौड़ा रहे हैं, और तो और पुलिस वाली लाइटें जलाकर डिवाइडर पर भी चढ़ा रहे हैं। खैर, ये वाली हरकतें और रॉन्ग साइड वाली ड्राइविंग तो अब ऐसा लग रहा है कि थार वालों के लिए आम हो गई हैं। ये दिन में एक दो बार जब तक डिवाइडर पर उछल कूद ना मचाएं या रॉन्ग साइड में चलकर दूसरों को परेशान ना करें, तब तक इनका मन ही नहीं भरता है। मतलब कैसे पता चलेगा भाई? ये छपरी कौन है? चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आपको मिल सकता है आईफोन 15, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। सीक्रेट है आपका क्रिकेट का क्रेज। 3 अप्रैल को टाटा APL का मैच है दिल्ली और कोलकाता के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो My11Circle ऐप और अभी अपनी टीम बनाओ। डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो आईफोन 15। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ 1 रुपए है और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 3 अप्रैल के मैच के लिए ही वैलिड है, सिर्फ मेरे ही सब्सक्राइबर्स के लिए है और मेरे दिए हुए लिंक से ही एक्टिवेट होगा। पहले मिस किया तो अब मत करना। टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, जिसमें फर्स्ट प्राइज मिनिमम 1 करोड़ है, तो सोचो और कितने बड़े बड़े प्राइजेस होंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो और यहाँ जाके यूज करो मेरा कूपन कोड, तो डिपॉजिट करते ही मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। मैंने तो अपनी टीम बना ली है, आप भी दिल्ली और कोलकाता के लिए My11Circle पर जाकर अभी अपनी टीम बनाएं। My11Circle इस बार ऑफिशियल पार्टनर भी है टाटा IPL का। मैंने तेरा थोबड़ा कितना सुनने ला लगता है रे। ये देखो भाई, जिसने मार कर थोबड़ा बिगाड़ा उसी की कॉपी करने के चक्कर में लगे हुए हैं। नहीं मिलेगा बैटमैन वाला पावर, चाहे कितनी भी कॉपी कर लो, बाप तो हमेशा बाप ही रहेगा भाई। ये स्टिकर लगवा देने से कुछ बदलने वाला नहीं है, सबको पता चल गया 1v1 में कौन जीता था। अब चुपचाप भाईचारा ऑन टॉप बोलकर माफी मांग लो, वरना क्या पता भाई फिर से ये कहीं रास्ते में मिल जाए और आपको नीचे लटका दे।
बात करते हैं अगले वीडियो पर, जिसमें थार वाले एक भाई अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी किस पर, एक लड़की पर। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं ये भाई साहब काफी तेजी में अपनी थार लेकर आए हैं और एकदम रॉन्ग साइड में आकर बिल्कुल इस लड़की को डरा दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी ये इसके ऊपर ही चढ़ा देंगे और इसी डर से लड़की जल्दी जल्दी डिवाइडर वगैरह कूद कर भागी है और बिल्कुल गिरते गिरते बची है। अब बताइए ऐसी हरकतें करने की इनको क्या जरूरत है, क्योंकि भाई छपरी से छपरी लड़के भी ऐसे वीडियोस को या फिर ऐसी हरकतों को अच्छा नहीं मानते हैं, वो भी कॉमेंट में आकर गाली देकर चले जाते हैं। दो चार ही होंगे जो फर्जी का तारीफ करेंगे, बाकी तो सब उल्टी सीधी चीजें ही बोलेंगे और आप इनके कॉमेंट में भी देख सकते हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीजें कमेंट में बोली जा रही हैं, तो इससे आपको क्या ही इज्जत मिलेगी। और पर नीचे एक और कमेंट लिखा हुआ है भाई स्क्रिप्टेड, जो कि काफी हद तक मुझे भी सही लग रहा है। ऐसा लग रहा है रील वगैरह बनाने के चक्कर में ये हरकत की गई है। खैर जो भी हो भाई, ये बहुत ही ज्यादा बेकार और शर्मनाक चीज है। यही सब वीडियो जब वायरल होते हैं और लोग देखते हैं तो इन गाड़ियों का इमेज उनके लिए बदल जाता है। इनका इमेज जो है वो सीधा भौकाली से छपरी पर आकर रुक जाता है, जो कि कहीं ना कहीं काफी गलत है। खैर बात करते हैं अगले वीडियो पर, जिसमें महिंद्रा थार का एक्सीडेंट हुआ है। इस रील को काफी सारे लोगों ने मुझसे शेयर किया, जिसके बाद मैंने भी थोड़ा बहुत जानकारी निकाली इसकी। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि एग्जैक्टली एक्सीडेंट कैसे हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं महिंद्रा थार जो है वो एक ब्रिज पर लटकी हुई है। अब हो सकता है इसका ड्राइवर इसे हाई स्पीड में चला रहा हो या फिर अचानक कोई सामने आ गया हो जिसे बचाने के चक्कर में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ हो। लेकिन भाई इस तरह की गाड़ियों का जब एक्सीडेंट होता है तो कहीं ना कहीं उसमें ड्राइवर की ही सबसे ज्यादा गलती होती है। खैर यहाँ पर क्या था वो तो क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन भाई ये जो थार है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, मतलब ऐसा लग रहा है इसको शोरूम से निकलवाए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, क्योंकि इसमें अभी टेम्परेरी नंबर पड़ा हुआ है। खैर हो सकता है भाई लोग थार लेते ही ज्यादा उत्तेजित हो गए हो और सड़क पर इसको बिल्कुल हवाई जहाज बना दिए हो, जिस वजह से ये सब हो गया हो। खैर भाई जो भी हुआ, इन भाई लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी जो थार ऊपर आकर लटक गई है। थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर होता तो ये गाड़ी सीधा नीचे गिर जाती, जिसके बाद हो सकता है पैसेंजर्स को भी चोटें आ जाती। फिलहाल इसमें पैसेंजर्स पूरी तरह से सेफ होंगे, हालांकि गाड़ी में तो नुकसान आ गया है। डायरेक्ट इंपैक्ट से इसका फ्रंट काफी हद तक खत्म हो गया और साइडों में और केबिन में थोड़ा बहुत डैमेज आ गया है। बाकी ब्रिज की हालत तो आप देख ही रहे होंगे, गाड़ी ने इसको पूरा तोड़ ही दिया है। थार है भाई, छपरी बोलने से मजबूती थोड़ी चली जाएगी, मजबूती तो वही रहेगी ना जो यहाँ पर दिख भी रहा है। खैर ये जो थार है वो रियर व्हील ड्राइव वाली है और रियर व्हील ड्राइव वाली थार को लोग जो है वो डेंजरस और छपरी कैटेगरी में भी एक स्टेप नीचे मानते हैं। अब ऐसा क्यों है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग इसको अलग ही नजर से देखते हैं। ऐसा लगता है भाई इस महिंद्रा थार की कोई औकात ही नहीं है। अब ऐसा क्यों है वो तो लोग ही कमेंट में बता पाएंगे, और आप भी बताइए भाई कि इन दोनों गाड़ियों में इतना भेदभाव क्यों हो रहा है। बाकी ध्यान रखें कि आईफोन 15 जीतने के लिए दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें और जीतें 1 करोड़ रुपए, SUV कार्स और भी बड़े बड़े प्राइजेस। और तो और पहले डिपॉजिट पर 20% एक्स्ट्रा कैश पाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है।